कन्या पूजन, अष्टमी नवमी पर माता रानी के भोग प्रसाद के लिए ये दोनों ही चीजें आप जरूर बनाइएगा। सिर्फ 6 चम्मच सूजी से हम पूरा आधा केजी हलवा कैसे बना सकते हैं ये आज आप जानेंगे। हलवा वो भी इतना रसीला, इतना दानेदार कि मुंह में रखते ही जो घुल जाए, जिसका पानी पानी हो जाए। और ये काले चने बनाते वक्त मसाला हर चने के ऊपर कैसे हम परफेक्टली कोट कर सकते हैं, इस बारे में भी आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आइए बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये 100 ग्राम जितने काले चने लिए, जिन्हें मैंने 2-3 बार पहले पानी से अच्छे से धो लिया, फिर भीगने के लिए रखा, ओवरनाइट रखा था। चाहे तो आप 4 से 5 घंटे भी भिगो सकते हो, गर्म पानी में डालिएगा, आपका काम जल्दी हो जाएगा। ये भीग चुके हैं, सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल कर मैं इसे डायरेक्टली प्रेशर कुकर के अंदर ले रही हूँ। और अब हम ये सूखे काले चने बना रहे हैं, इसके लिए इसमें ज़्यादा पानी ना डालें, बहुत थोड़ा सा, जस्ट चनों के ऊपर एक हल्की सी लेयर रहे बस, ठीक है। और अब डाल रही हूँ 1 चुटकी जितना बेकिंग सोडा, जो पकोड़े बनाने में हम यूज़ करते हैं वही है। अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो आपको 1 या 2 विसल थोड़ी सी ज़्यादा लेनी होगी, ये सॉफ्ट पक जाए बस यही पर्पज़ है। और टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नमक मिलाकर इसको मिक्स कर लें, ढक्कन लगाए, लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसकी 2 विसल आपने निकाल लेनी है। तो जब तक ये कुक हो रहा है हम हलवा बना लेते हैं। जैसे कि शुरू में ही मैंने आपको कहा, सिर्फ 6 चम्मच हम सूजी इस्तेमाल करेंगे और कैसे पूरा आधा केजी हलवा बनता है यही आज हमें जानना है। तो यहाँ देखिए मैंने घी डाल दिया है 4 चम्मच जितना, मतलब 4 टेबलस्पून जितना मैंने यहाँ पर घी लिया। और अब इसके अंदर हम डालेंगे ये सूजी। जब भी आपको हलवा बनाना हो, बहुत ज़रूरी ट्रिक, घी अच्छा गर्म होना चाहिए। जैसे मैं थोड़ी सी सूजी इस घी में डालूँ, देखिए कैसे फूल जा रहा है हर दाना, वैसा करना है। कई लोग सूजी को पहले डाल लेते हैं फिर ऊपर से घी डालते हैं, कुछ होगा तो नहीं उससे, लेकिन वैसा ना करें। अगर आप चाहते हैं कि हलवा बिल्कुल दानेदार बने, चिपचिपा ना बने, तो इसके लिए आपको ये ट्रिक ज़रूर फॉलो करनी है। घी अच्छा गर्म कर ले फिर सूजी को डालें। और जब भी मैं हलवा बनाती हूँ बारीक वाली सूजी का ही इस्तेमाल करती हूँ। सूजी हमने 1/2 कप जितनी ली थी, लेकिन अगर 1/2 कप को टेबल स्पून में मेजर किया जाए तो 6 टेबल स्पून सूजी, उसी का मतलब 1/2 कप होता है, यानी कि 6 बड़े चम्मच हमने यहाँ पर सूजी ली है जिसको हम भून रहे हैं। तो जब तक हम सूजी भून रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक बर्तन लिया है, इसी कप से नापकर मैंने ये 1 कप जितनी सूजी ली थी, तो हम क्या करेंगे इसी का 3 गुना, मतलब 3 बार हम पानी लेंगे। तो फिर चाहे आप कटोरी से नापे, ग्लास से नापे या किसी कप से नापे, तो जितनी भी आपने सूजी ली होगी उसका 3 गुना आपने यहाँ पे पानी लेना है। और इसके बाद अगर आप इसमें थोड़ा सा केसर का फ्लेवर और कलर चाहते हैं तो चुटकी भर केसर डाल दीजिए, जिसका कलर और स्वाद पानी में उबलते उबलते आ जाएगा। और हलवा बनाते वक्त, जब भी सूजी का हलवा बनाएं, कभी भी दूध या पानी जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको ठंडा इस्तेमाल ना करें, गर्म करके ही करें। और यहाँ देखिए सूजी काफ़ी अच्छे से भून चुकी है, इसका कलर भी हल्का हल्का चेंज हो चुका है। तो जब ऐसा बड़ा प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए, अगर आप हलवे में ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो आप अपने पसंद से कम ज़्यादा करके जो जो डालना है आप डाल सकते हैं। ये थोड़े से मैंने बादाम, काजू, किशमिश, ये चीज़ें डाल दी। इन्हें हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, सूजी के साथ ये थोड़े रोस्ट हो जाएंगे। और फिर इसके बाद एक तरफ पानी गर्म हो चुका है, अच्छा उबलता हुआ, ये हम बिल्कुल सावधानी से धीरे धीरे करके डालेंगे। पूरा पानी आपने इसमें डाल देना है। अभी तो आपको ये बिल्कुल पतला दिखेगा, चीनी डालने की जल्दबाजी आपने यहाँ पे बिल्कुल नहीं करनी। पहले सूजी को पूरी तरीके से पानी को एब्जॉर्ब करने देना है, उसको समय देना है ताकि सूजी का हर दाना फूल जाए और बिल्कुल इतना सॉफ्ट हो जाए कि इस हलवे को आप मुंह में रखते ही वो पानी पानी सा हो, पूरा घुल जाए। ये ट्रिक करने के लिए पहले सूजी को पूरा पानी पीने दीजिए, ढककर इसको 2-3 मिनट के लिए पका लीजिए। आप देखेंगे कि सूजी हलवे की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी, वो काफ़ी हद तक फूल चुका होगा। तो यही तो ट्रिक है। और फिर जब आपको दिखे कि ये पानी अब थोड़ा सा रिड्यूस हो चुका है और हलवा थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है, फिर बिल्कुल सही समय है इसमें चीनी मिलाने का। जितनी मैंने सूजी ली थी उतनी ही मैंने यहाँ पर चीनी भी ऐड की है। आप चीनी की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हो। अब चीनी घुलेगी तो फिर से ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा। और 1-2 मिनट हम इसे ढककर पका लेंगे। और जब आप इसे खोलेंगे तो महक तो पूरे घर में फैल जाएगी और हलवे का लुकिंग इतना परफेक्ट आएगा, इतना रसीला होगा। देखिए बड़ा ही शानदार हलवा बनकर तैयार है। पिछली बार मैंने जब आपके साथ ये वाली हलवे की वीडियो शेयर की थी तब मैंने आपको सीधा मेजर करके भी दिखाया था कि सच में ये कितना भरता है। और इस बार मैं तो हड़बड़ी में आपको ये मेजर करके दिखाना भूल ही गई। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते तो चाहे तो उस वीडियो में जाके आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। खैर वो कोई बात नहीं है, हलवा बन के तैयार है। तो चलिए अब चने बना लेते हैं। प्रेशर कुकर पूरा ठंडा हो जाने के बाद अब मैं खोल रही हूँ। आप देखेंगे कि इसमें ज़्यादा पानी भी नहीं होगा
और चने बहुत ही अच्छे सॉफ्ट तरीके से पक चुके होंगे। थोड़ा बहुत जो पानी है आप उसे छानकर अलग कर सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम यूज़ करेंगे। आज के ये चने भोग प्रसाद के लिए हम बना रहे हैं, बिना प्याज लहसुन के बना रहे हैं, तो इसके लिए एक मसाला प्रिपेयर कर लेना होगा। एक बोल में मैं ले रही हूँ 1 चम्मच जितनी ये काश्मीरी रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून, आधे चम्मच से भी कम मैंने बिल्कुल ज़रा सी हल्दी ली है। मसालेदार बने इसके लिए हम पूरा 1 चम्मच भर के यहाँ पर गरम मसाला पाउडर लेंगे, 1 टीस्पून। अमचूर पाउडर ले रही हूँ 1/2 चम्मच जितनी, आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप 1 चम्मच ले सकते हैं। इसके बाद ले रही हूँ जीरे का पाउडर, ये भी 1/2 चम्मच। धनिया पाउडर लेना है 1.5 चम्मच, 1.5 टीस्पून। मसालों को सूखा आप मिक्स कर लीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालकर इसकी एक पेस्ट हमें बना लेनी है। तो लीजिए ये मसाला बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, अगर आपको याद होगा मैंने आपके साथ छोले मसाला की रेसिपी शेयर की थी, उसमें गाढ़ापन लाने के लिए नॉर्मल सी ट्रिक बताई थी, उसी में से थोड़े से छोले लेके मिक्सी में पीस के वो डालने थे, वही ट्रिक हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। इन उबले हुए चनों में से सिर्फ 2 चम्मच जितने चने हमने मिक्सी जार के अंदर लिए, थोड़ा सा पानी डालना है और इसका भी पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। इससे क्या होगा, ये जो मसाला साइड में हमने जो बनाया है ना, वो ऐसा नहीं होगा कि हर चने के ऊपर, मतलब चने अलग मसाला अलग हो, इस मसाले की वजह से वो पूरे चने के ऊपर प्रॉपरली कोट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए कैसे। तो यहाँ पे मैंने एक पैन रखा है, इसके अंदर हम ऑयल लेंगे या घी, जो भी आपको लेना हो, ये मैंने ले लिया 2 से 3 चम्मच जितना। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे ये जीरा, 1/2 चम्मच जितना जीरा, और 1 इंच जितना अदरक जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। हरी मिर्च ली है मैंने, बीच में से चीरा लगा दिया, 1 से 2 हरी मिर्च। तो जब ये चीज़ें भून जाए आप गैस की फ्लेम को थोड़ा स्लो कर दीजिए और ये जो हमने मसाला प्रिपेयर किया था ये पेस्ट आप इसमें डाल दीजिए। आराम से आपको इसको पकाना है 2 मिनट के लिए। जब आप भूनेंगे, थोड़ा सा तेल जब ऊपर आ जाए, तो ये जो चने और पानी डालकर हमने मिक्सी में पीस लिया था ना, ये आप इसमें डाल दो। इससे क्या होगा, अब ये एक ग्रेवी वाली कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, मतलब कोटिंग कंसिस्टेंसी जैसी होती ना वैसा ये बन जाएगा। देखिए आप, ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। इसे भी हम तब तक पकाएंगे जब तक कि तेल ऑयल थोड़ा ऊपर ना आ जाए। ये देखिए ये हो चुका है। अगर आपको इसमें पानी डालना हो तो चने मैंने छानकर जो पानी बचा लिया था इसमें से 2-3 चम्मच पानी मैं यहाँ डाल देती हूँ, इसमें भी स्वाद होता है। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो पतला हो गया, गाढ़े कैसे बनेंगे, मतलब सूखे कैसे बनेंगे। बनेंगे, चने आप इसमें डाल दीजिए, इसको मिलाइए। अभी आपको हाई फ्लेम कर देनी है और ये पतला हमने इसलिए रखा था ताकि चने इस सारे पानी को, इस सारे फ्लेवर्स को एब्जॉर्ब कर सकें। और जैसे ये चने इस पानी में देखिए कैसे उबल रहे हैं, ये सारे स्वाद को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे और बड़े ही स्वादिष्ट बनेंगे। देखिए, और 2-3 मिनट जब आप इसको हाई फ्लेम के ऊपर बस इसे थोड़ा सा चलाते रहेंगे, आप देखेंगे कि ये अपने आप से सूख जाएगा और सारा मसाला हर चने के ऊपर बराबर कोट हो जाएगा हर तरफ से। ये मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाल दिया और अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। 2-3 घंटे बाद क्या होता है कि काले चने जब हम बनाते हैं ना, पूरे सूखे पड़ जाते, दिखता ही नहीं है मसाला। पर जब आप इस तरीके से बनाएंगे, ये भी सूखेंगे नो डाउट, लेकिन मसाला दिखेगा होगा इनके ऊपर। तो ये चीज़ है, थोड़ा फ़र्क है, तो आप इस वजह से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आपको हमारी आज की ये दोनों ही रेसिपीज कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कौन कौन ये बनाने वाला है ये लिखना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।